उपराष्ट्रपति आज जमशेदपुर में XLRI की प्लेटिनम जुबली समारोह में होंगे शामिल। धनबाद स्थित IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में विभिन्न विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। उत्तराखंड के टनल से सकुशल बाहर निकाले गए श्रमवीरों से मिलकर किया अभिनंदन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला का दौरा कर मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का लिया जायजा। कार्य में तेजी लाने की दी हिदायत, लोगों से किया संवाद। और नई दिल्ली में आज से शुरू होंगे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स। डर्बन में भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा 3 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मैच। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज झारखंड के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के क्रम में उपराष्ट्रपति जमशेदपुर में XLRI के प्लेटिनम जुबली समारोह में शामिल होंगे। वहीं धनबाद स्थित IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह को भी वो संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के धनबाद दौरे को लेकर जिले के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। तो टोटल ड्यूटी यही है, टोटल 4 दिनों का ज्यादा समय नहीं लीजिए। आपने सभी को इंडिया देनी है, मेन गेट में आपको वहीं को जाने दे। फिर आप लोग सभी सर अपने अपने गाड़ियों में आएंगे जो आपके साथ ही साथ जो रूट लाइंस हम लोगों ने बनाए हैं उनको ले जाने के लिए रूट लाइंस की ब्रीफिंग उनको की गई है। बैरिकेडिंग के बारे में, ड्रॉपियर के बारे में, ट्रैफिक ब्लॉकेटेड के बारे में जो है हम लोगों ने है उसके बारे में भी उन लोगों को बताया गया है और जो भी अलग अलग तरह की जानकारियां रहती है वो सभी उनको दिया गया। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की आज रायपुर में बैठक चल रही है। बैठक में पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। बैठक में केंद्रीय नेतृत्व वाला नियुक्त तीनों पर्यवेक्षक केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम भी मौजूद हैं। इससे पहले रायपुर पहुंचने पर तीनों पर्यवेक्षकों का स्वागत किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पटना में 26वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री हिस्सा लेंगे। क्षेत्रीय परिषदों की प्रत्येक बैठक में राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इनमें महिलाओं और बच्चों के खिलाफ दुष्कर्म के मामलों की त्वरित जांच और इसके शीघ्र निपटान के लिए फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालयों का कार्यान्वयन, देश में 2 लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों का गठन, पोषण अभियान के माध्यम से बच्चों में कुपोषण दूर करना, स्कूली बच्चों की ड्रॉप आउट दर को कम करना, इसके अलावा सामान्य हित के अन्य मुद्दे भी इसमें शामिल हैं। साल 2014 से अब तक पिछले 9 सालों में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की कुल 55 बैठकें हुई हैं और इनमें स्थायी समितियों की 29 बैठकें और क्षेत्रीय परिषदों की 26 बैठकें शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कल खूंटी दौरे के क्रम में सड़क और पुल निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। साथ ही उत्तराखंड सुरंग हादसे से सकुशल वापस लौटे खूंटी के श्रमिकों से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विधायक कोचे मुंडा के पैतृक गांव ममरला में विधायक के साथ सड़क और पुल निर्माण कार्य की आधारशिला रखी। उन्होंने उत्तराखंड के टनल से सकुशल बाहर आए गुमड़ू गांव के विजय होरू और डुमारी गांव के चमरा उरांव को शॉल उड़ाकर और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। टनल से सकुशल सबसे पहले बाहर निकलने वाले विजय होरू ने केंद्रीय मंत्री को टनल के अंदर की कहानी बताई और केंद्र सरकार का आभार जताया। श्री मुंडा ने इस दौरान कहा कि श्रमवीर देश के असल हीरो हैं, एक योद्धा हैं। हर योजना का लाभ आज जनता तक पहुंच रहा है, हर योजना को जनता तक पहुंचाने का काम हो रहा है। ये योजना इसलिए नहीं कि केवल एक योजना का लाभ मिले, इसलिए कि आप स्वस्थ रहेंगे, आप समृद्ध होंगे, आपका परिवार शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। केंद्रीय मंत्री ने ममरला गांव में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारत को सामूहिक प्रयास से विकसित बनाने का संकल्प दोहराया
उन्होंने कहा कि सुरंग से बाहर निकलने वाले योद्धाओं को हर संभव सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार तत्पर है। गांव अपने आप में आत्मनिर्भर सिंह बने, परिवार अपने आप में आत्मनिर्भर सिंह बने और जो लक्ष्य हमारा है विकसित भारत का उसे हम सफल करें। गैर सरकारी संस्था प्रदान के स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रेम शंकर के नेतृत्व में सखी मंडल की दीदियों ने श्री मुंडा को केंद्रीय कृषि मंत्री का प्रभार मिलने पर सब्जी और मशरूम की टोकरी देकर शुभकामनाएं दी। झारखंड में नंबर वन है और हम लोग 26 जनवरी को रात भर में हम लोग वहां पर अवार्ड लेने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। हम लोग का एफपीओ की 11 सदस्य हैं, 11 सदस्य हम लोग जा रहे हैं। इधर गांव में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक कोचे मुंडा ने कहा कि केंद्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए हमें खूंटी संसदीय सीट से अर्जुन मुंडा को भी प्रचंड मत से जिताने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से कैश की बरामदगी से प्रधानमंत्री का ये संकल्प सिद्ध हो रहा है कि पाताल लोक से भी काला धन को निकाला जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों से हमें सतर्क रहना चाहिए। मोदी जी गरीब योजना चला रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि कोरोना के समय से अभी तक फ्री राशन दे रहे हैं, चावल दे रहे हैं, ऐसा किसी ने कभी नहीं सोचा था। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में कल सवेरे 10:30 बजे सभी राज्यों के राजभवन में कुलपतियों और विभिन्न राज्यों के शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुखों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया कि प्रधानमंत्री इस दौरान विकसित भारत को लेकर राय लेंगे। Among all of us, who's going to be around in 2047 as active people, are actually going to be the youth. So this is actually getting their ideas. But the portal is open to all. Any others also can give ideas. जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जियाजोरी एवं उदलबनी पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान एलईडी वाहन के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जामताड़ा जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जियाजोरी एवं उदलबनी पंचायतों में एलईडी वाहन के माध्यम से ग्रामीणों को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई तथा लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जन जागरूकता बढ़ी है, जो आने वाले समय में समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में मील का पत्थर साबित होगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा और इसका यही संकल्प है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। अब हम लोग विकासशील भारत में है और यह तभी विकसित हो सकता है, विकसित भारत हो सकता है जब हमारे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, जिसके लिए देश के हर वर्ग की सहभागिता और सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सबका साथ सबका विकास की अवधारणा को हकीकत बनाया है। पहले खाद खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए हम सड़कों पर जाए, किसी महाजन के यहाँ साहूकार के यहाँ जमा करता था। आज जो है किसान सम्मान निधि के तहत डायरेक्ट आपके खाते में जो है पैसा भेजने का काम कर रहा है। इस मौके पर उपस्थित स्थानीय लोगों ने केंद्र सरकार के कामों और केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने विकसित भारत संकल्प यात्रा को सराहनीय पहल बताया। काम करने इस दौरान विभिन्न विभागों के द्वारा लगाए गए स्टॉलों के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी के साथ साथ लाभान्वित भी किया गया। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत सिमडेगा जिले के ठेठईटांगर प्रखंड अंतर्गत पैकपारा और राजाबासा पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान ग्रामीणों को जहां केंद्र प्रायोजित योजनाओं के बारे में बताया गया, वहीं कई लाभुकों ने केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं से मिले फायदों की कहानी साझा की। सिमडेगा जिले के ठेठईटांगर प्रखंड अंतर्गत पैकपारा और राजाबासा पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिखा। स्वागत गान के साथ सबों का अभिनंदन किया गया।
इस दौरान सभी लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों ने अपनी सफलता की कहानी साझा की। हर घर नल से जल की लाभुक सरोज टेडे ने कहा कि पहले पेयजल के लिए उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब योजना के तहत पानी मिलने से पेयजल संकट दूर हो गया है। नल जल योजना मिला है तो हम लोग को ये योजना से हम लोग को बहुत समय भी कम समय में हम लोग अपना काम को पूरा कर रहे हैं। हम लोग को बहुत खुशी है कि सबों के आंगन में नल है, कपड़ा धोने में या शौचालय के लिए पानी के लिए भी हम लोग को सुविधा है। इसलिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। किसी की लाभुक सीमा देवी ने कहा कि इससे उन्हें कृषि कार्य में बड़ी मदद मिली है। खेती का काम ठीक से हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई लिखाई में आ रही आर्थिक समस्या दूर हो गई है। किसी के एक अन्य लाभुक अनूप मिंज ने भी इसे कृषकों के लिए वरदान बताया। किसी लोन 10,000 लेके अपना जीविका चला रही, खेती बाड़ी साग सब्जी सभी को उगा कर अपना परिवार स्कूल बच्चे को पढ़ा रही हूँ। हमको अपने कृषि के कार्य के लिए परिवार के लिए एक अच्छा माध्यम मिला, जिससे मैं इस लोन के पीछे अभी मैं अपना कृषि कार्य को अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ। महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी मीना देवी ने कहा कि समूह से जुड़ने के बाद उन्हें 3 लाख रुपए का ऋण मिला है, जिससे उन्होंने एक ऑटो खरीदा और किराना दुकान खोला है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति अब अच्छी हो रही है। 3 लाख का ऑटो लिए हैं और दुकान किए हैं, उसमें मेरा अच्छा आमदनी हो रहा है और अभी पीएलएफ की अध्यक्ष भी बन गए हैं। सबको धन्यवाद और पीएम मोदी को भी धन्यवाद। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक देवदत्त प्रधान ने कहा कि पहले कच्चे मकान पर ठंड और बरसात के मौसम में बहुत तकलीफ होती थी। केंद्र सरकार की मदद से अपना पक्का मकान बनाने के बाद वे सुविधा युक्त जीवन जी रहे हैं। लेकिन अभी ये आवास मिलने के बाद मेरा घर बनने के बाद बहुत बहुत बढ़िया से अभी सुखपूर्वक रहते हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा का कारवां आजकल जिस जिस गांव पंचायत से गुजर रहा है वहां खुशहाली और खुशियों के फुहार बरस रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने सही अर्थों में जमीनी स्तर पर लोगों के जीवन में सुखद बदलाव लाया है, जिससे सभी लाभार्थी संतुष्ट और प्रसन्नचित नजर आते हैं। सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा, मनु की रिपोर्ट। रांची जिले के रांतू प्रखंड अंतर्गत चटवल और बजुलिया पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें खास और आम सभी की भागीदारी दिखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 नवंबर को वीरों की धरती खूंटी से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा राज्य में अनवरत जारी है। रांची के रातू प्रखंड अंतर्गत चटवल और बिजुलिया पंचायत में भी यात्रा का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय सांसद संजय सेठ और विधायक नवीन जायसवाल ने पंचायत वासियों को देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर श्री सेठ ने कहा कि इस संकल्प यात्रा के क्रम में लाभुकों से सीधा संवाद स्थापित हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। लाभुक से संवाद, लाभुक में एक कहते हैं ऊर्जा का संचार, और यह आज जहाँ जहाँ जा रहे हैं ये विकसित भारत संकल्प यात्रा की जो बहन जा रही है, प्रधानमंत्री जी को सुन रहे हैं और फिर हम सब संकल्प दिला रहे हैं 2047 संकल्प विकसित राष्ट्र बनाएंगे, अब बहुत दूर नहीं। मौके पर उपस्थित स्थानीय विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि इस संकल्प यात्रा से गांव-गांव में उत्सव सा माहौल बन गया है। उन्होंने कहा कि यह यात्रा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में जरूर सहायक सिद्ध होगी। उसके बारे में जानकारी देना, उसका विधायक जी इसका लाभ छूट गया है, आप लोग क्योंकि बहुत लोग जानकारी आपके घर में लाभ डाले हैं कि नहीं है, तो इस तरह का विकसित भारत लोगों ने जवाब दिए आप ऐसे है मंत्री जी के नेतृत्व में शौचालय नहीं, और इस तरह से लोगों को उनके द्वारा बताया गया कि शौचालय का लाभ। इस कार्यक्रम के दौरान पहली बार माँ बन रही एक महिला की गोद भराई की रस्म हुई। रातू की महिला पर्यवेक्षिका रंजना सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ऐसी महिलाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। अच्छा पोषण लेने के लिए ये बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पैसे को निकालकर अपने स्वास्थ्य का अपना अच्छा पोषण युक्त भोजन कर सकते। इस दौरान कई लाभुकों ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं से उनके जीवन में आए परिवर्तन की कहानी सुनाई। इलाज हुआ और अभी स्वस्थ है हम, मोदी जी का इस अब गैस मिला, अभी आराम है, गैस मोदी सरकार का धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ गांव पंचायतों में ग्रामीणों के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है और लोग योजनाओं का लाभ लेने के लिए आगे आ रहे हैं।
दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से प्रताप की रिपोर्ट। गढ़वा जिले के मेरा प्रखंड अंतर्गत विकताम चेचरिया और संगवरिया पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ का आगमन हुआ, जिसने ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया। विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ गढ़वा जिला के मीराल प्रखंड अंतर्गत विकताम चेचरिया और संगबरिया पंचायत पहुंची और ग्रामीणों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया। इस दौरान ग्रामीणों को विकसित और आत्मनिर्भर भारत बनाने की शपथ भी दिलाई गई। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी जागो महतो ने लोगों को योजनाओं के बारे में बताया, साथ ही लाभ लेने के लिए प्रेरित भी किया। भारत सरकार की और साथ में राज्य सरकार की जो योजनाएं चल रही है, योजनाओं के तहत हमारे ग्रामीणों का लोगों को क्या बेनिफिट मिला है और कैसे मेरा देश विकासशील विकसित की ओर कन्वर्ट होगा, वो हर आयाम हर योजनाओं को कहाँ बेनिफिट मिला लोगों को, उन बिंदुओं पर ये किया। लोगों के द्वारा भी सहमति जताई गई कि अधिकांश योजनाओं का लाभ मिला है, कुछ तो नहीं मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के वैज्ञानिक अमरेश चंद्र पांडे ने बताया कि जागरूकता रथ के माध्यम से किसानों को उन्नत खेती और अच्छी पैदावार की जानकारी भी दी जा रही है, ताकि उनकी आय बढ़ाई जा सके। गांव वालों के बीच जो उनको परेशानियां उनकी बात सुनी जा रही है और ब्लॉक लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हर विभाग के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, डेवलपमेंट विभाग हो, जो भी विभाग है, सारे विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो लोग गाँव में सारे लोग परिचर्चा कर रहे हैं। इस दौरान कई लाभार्थियों ने केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के फायदे गिनाए और केंद्र सरकार के कामकाज के तरीकों की प्रशंसा की। में और उसमें विभिन्न प्रकार की योजना बताई गई और हम जाने और समझे और इस योजना का हम भी ना लाभ लेंगे। राशन कार्ड मिलल बनी, हाँ राशन कार्ड मिलल बनी, उसका लाभ भी हम ले चुके हैं, कूप लिए हैं, जैसे खेती वेती करते हैं, पीएम किसान भी मिलता है, राशन कार्ड भी है। झारखंड के दूर दराज के क्षेत्रों में समावेशी विकास का सपना साकार करने में विकसित भारत संकल्प यात्रा पथ प्रदर्शक साबित हो रही है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत कोडरमा के सुदूरवर्ती सतगावा प्रखंड के खुट्टा और नवाडी पंचायत में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को एलईडी वैन के जरिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान कई लाभार्थियों ने योजनाओं का लाभ लेकर जिंदगी में आ रहे बदलाव का अनुभव साझा किया। गांव में 11 समूह को देखभाल करती हूँ और उसमें 150 दीदी को जोड़ी हूँ और मैं जेएसएम केयर्स के द्वारा मैं बैंक से दीदी लोग को ऋण दिलवाती हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है, जिससे कईयों के चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू अब पार्टी के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। भ्रष्टाचार का पर्याय बने धीरज साहू के घर और कार्यालयों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। इस दौरान 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद की जा चुकी है। खास बात है कि धीरज साहू के इस भ्रष्टाचार को सीधे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से जोड़ा जा रहा है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि दो बार लोकसभा चुनाव हारे व्यक्ति को 3 बार से राज्यसभा का सदस्य क्या पैसे के दम पर बनाया जा रहा था? धीरज साहू के राहुल गांधी के करीबी होने पर निशाना साधते हुए बीजेपी ने धीरज साहू को गांधी परिवार का एटीएम करार दिया। अब तक के जितने भ्रष्टाचारियों के यहाँ से कैश पकड़े गए तो सबसे अधिक कैश जो है वो साहू जी के यहाँ से पकड़ा गया। 10 जगह पर अगर रेड हुई जिसमें मेहनत के साथ काम किया, 300 करोड़ रुपया सिर्फ एक नेता के पास निकलता है और गिनती बाकी है, तो आप सोचिए कि पूरी कांग्रेस ने जितने भ्रष्ट नेता हैं अगर उनको एक जगह डाल दिया जाए तो कितने ही नोट निकलेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में विपक्षी दलों की संलिप्तता का ये कोई पहला मामला नहीं है। इसी साल अक्टूबर में कर्नाटक में कांग्रेस के पूर्व नेता के घर से कार्टन बॉक्स के अंदर नोटों के कई बंडल रखे हुए मिले थे, तो पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी की संलिप्तता उजागर हुई थी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों रुपए कैश मिले थे। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले का दौरा कर मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने पश्चिमी सिंहभूम में मतदान केंद्र निरीक्षण के दौरान लोगों के घरों में जाकर मतदाताओं से वार्तालाप करते हुए स्वच्छ एवं समावेशी मतदाता सूची तैयार करने का आह्वान किया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मतदाता सूची से संबंधित जानकारी में सुधार के लिए वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन के बारे में भी लोगों को अवगत कराया। कहां रिजल्ट करता है वहीं पर तो नाम देना है।
उन्होंने नुआमुंडी सहित जिले में अवस्थित सभी औद्योगिक टाउनशिप एरिया अंतर्गत शिफ्ट हो चुके मतदाताओं का नाम निर्धारित प्रक्रिया के तहत सूची से हटाने तथा कर्मियों के नाम सूची में जुड़वाने के लिए विशेष कैंप लगाने का निर्देश दिया। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सरायकेला मुख्यालय स्थित परिसदन सभागार में भी अधिकारियों के साथ बैठक कर मतदाता सूची में संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने इस कार्य में तेजी लाने तथा अन्य बिंदुओं पर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कम्प्लीट कर लेंगे तो साथ में डिस्कशन करना है। इसमें अभी भी कुछ एलिजिबल वोटर छुटा हुआ, मतलब तुरंत हम प्रश्न तक अपने फॉर्म का डी एल ओ से सबमिट करना है, नहीं तो वोटर इंटरनेट करना है ताकि उनका शामिल करा सकते हैं आने वाला चुनाव। राज्य के अन्य जिलों में भी मतदाता सूची संक्षिप्त प्रदर्शन कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि चुनावी प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित हो सके। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट। राज्य के विभिन्न जिलों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलहनीय मामलों का निपटारा किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चाईबासा सिविल कोर्ट परिसर में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें 8,000 से अधिक मामलों का निष्पादन किया गया। इस मौके पर 1,83,17,000 रूपये की राशि का समायोजन किया गया। प्राधिकार के सचिव राजीव कुमार सिंह ने बताया कि लोक अदालत विभिन्न प्रकार के वादों को सुलझाने का एक सक्षम और सुलभ माध्यम है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स आज से नई दिल्ली में शुरू हो रहा है। इसमें 1,400 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। हिम्मत दिखा, ताकत दिखा। तैयार हो जाइए भारतीय खेलों के इतिहास को बदलने वाले पल के साक्षी बनने के लिए। पहली बार खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन राजधानी दिल्ली में 10 से 17 दिसंबर के बीच होने जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय सीरीज का पहला मुकाबला आज डर्बन में खेला जाएगा। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। उपराष्ट्रपति आज जमशेदपुर में XLRI की प्लेटिनम जुबली समारोह में होंगे शामिल। धनबाद स्थित IIT ISM के 43वें दीक्षांत समारोह को भी करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी में विभिन्न विकास योजनाओं की रखी आधारशिला। उत्तराखंड के टनल से सकुशल बाहर निकाले गए श्रमवीरों से मिलकर किया अभिनंदन। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला का दौरा कर मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का लिया जायजा। कार्य में तेजी लाने की दी हिदायत, लोगों से किया संवाद। और नई दिल्ली में आज से शुरू होंगे पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स। डर्बन में भारत और मेजबान दक्षिण अफ्रीका के बीच आज खेला जाएगा 3 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 मैच।